जैसलमेर घूमते घूमते हम आ गए हैं पटवों की हवेली में, और आज हम पटवों की हवेली को देखेंगे। यहाँ पे क्या 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 खासियत है कि इतनी ज़्यादा फेमस है, एक हवेली बनी हुई है बहुत ही सुंदर, इसकी कलाकृति है उसको हम देखते हैं। तो अभी अंदर चलते हैं। तो भैया हमारे साथ है अभी भी, और ये हमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टिकट ले लेते हैं। भारतीय है 100 रुपये, विद्यार्थी और डिफेंस 70 रुपये, और फॉरेनर के लिए 250 रुपये की टिकट है यहाँ पे। तो अभी टिकट लेके अंदर चलते हैं असली। लेकिन इसका एंट्री गेट यहाँ से, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो पूरा एक्सप्लोर कर पाएंगे। अभी हम अंदर चलते हैं। कोठारी परिवार की हवेली है ये पटवा हवेली, देखो कोठारी परिवार की है। अच्छा। हमारे राजा के दीवान होया करते थे ये, सेठ जी होया। हाँ हाँ। तो पुराने जमाने में सिल्क का काम वगैरह ये करते थे। हाँ। तो भारत पाकिस्तान पहले एक था। हाँ। तो ये पाकिस्तान से माल आते थे, यहाँ से लेके जाते थे। तो पुराने जमाने का जो पाकिस्तान से सोना आता था, तो ये हमारे राजा के दीवान भी होते थे, मंत्री भी होया करते थे। तो ये पटवा सेठ उनको उपाधि दी, बाकी थे जैन। तो हमारे राजा ने इनको उपाधि दी थी कि आप पटवा सेठ हो। तो ये पटवा कोठारी परिवार की हवेली, ये 5 भाई थे, 5 हवेली निर्माण कराया, जैसे नथमल की हवेली, सालेम सिंह हवेली, और ये पटवा हवेली। तो ऐसे करके 5 हवेली आए। ऊपर चलते हैं हम अभी। तो ये शीश महल टाइप बना हुआ कुछ, भगवान का पूजा पाठ का स्थान है। पहले घर का मंदिर है ये, घर का मंदिर है। तो ये पुराने जमाने में ये घर होया करता था। अच्छा। अभी ये जीवन लाल जी कोठारी इनके परिवार इनके मालिक हैं। तो ये सन 1800 में इनका काम चालू हुआ था, और 1860 में पूरा हुआ इस पूरी हवेली का। पूरी हवेली का तो 60 साल लगे थे, पूरी 5 हवेली बनाने में 60 साल लगे थे। और पूरा हैंडवर्क कारीगरी, ये पूरा हाथ की कारीगरी, पुराने जमाने में मशीन वगैरह नहीं था। तो ये पूरी हवेली है वो बिना सोना सीमेंट और पानी की है। तो एकदम मुल्तानी मिट्टी काम में ली गई, इंटरलॉकिंग सिस्टम, किले की तरह ही, फोर्ट की तरह ही ये है। तो पुराने जमाने में ये देखो अपने जैन पार्श्वनाथ भगवान, चिंतामणि पार्श्वनाथ। ओके। जीवन लाल जी कोठारी हमारी इस हवेली के ओनर मालिक है। अच्छा, जीवन लाल जी कोठारी। मिलेगी ऐसी शानदार कला है, पूरा हैंडवर्क है, ऐसी कारीगरी। आप ये विश्व प्रसिद्ध पटवा हवेली है, बहुत ही कारीगरी, एक एक चीज, गेट भी वैसे बनाए हुए हैं और दीवारें भी वैसी बनाई हुई है। जैसे अंदर आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे सिक्के रखे हुए हैं, और यहाँ पे रखे हुए हैं बाट, जो आज के टाइम में हम बाट बोलते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि शेर में होते थे, आज पहले आजकल क्या होता है कि किलो कितना होता है, शेर, सवा शेर, ढाई शेर, वो सब आपने सुना होगा, वो सब होता था। और अफीम की डलियाँ काटने का, अफीम की डलियाँ काटते थे पुराने जमाने में, जो मनुवार के लिए अफीम होता था। हाँ। उसको अफीम की डलियाँ होती थी, उसको काटने में काम लेते थे। और ये सरोता अम सुपारी काटने का, जो बड़ी बड़ी सुपारियाँ होती थी पुराने जमाने में, सेठ और राजा सुपारी खाने के बड़े शौकीन होते थे। वो सरोता सुपारी काटने में काम में लिया जाता। ओके। और ये पत्थर, वो जीवाश्म पत्थर है जो पेड़ पौधे पहले थे, और पेड़ पौधे से पत्थर बन गया। तो पुराना ये जीवाश्म है। अच्छा, ये पहले पेड़ थे फिर पत्थर बन गए। हाँ, पहले पेड़ थे और फिर पत्थर बन गया। तो ये देखो आप इधर लिखा हुआ, जीवाश्म जीव जंतु तथा पेड़ पौधे के वे अवशेष है जो कि पत्थरों में परिणित हो गया। जीवाश्म से हमें चट्टानों को आयु का ज्ञान होता है। अच्छा। तो ये भौगोलिक स्थिति को जानते हैं, जानकारी देते हैं। तो पुराने जमाने के ये पेड़ थे, पत्थर बन गए। ओके। पटवा सेठ जी थे जो राजा के मुनीम थे, तो राजा जी के मुनीम थे तो पैसे भी बहुत होंगे, तो उनको भी एक मुनीम रखना पड़ा था। तो ये आप पीछे देख रहे हैं, ये उनकी उनका चैम्बर है, उसको हम अंदर से देखते हैं अभी। तो ये था मुनीम जी का चैम्बर। हमारे पुराने जमाने की मारवाड़ी पाव आभूषण है, जेंट्स आदमी ऐसे पहनता था और औरत ऐसे पहनती थी। अच्छा, आदमी ऐसे, औरत ऐसे, ऐसे कपड़े पहनते थे। फवरी लाल, इसे शादी के फेरों के समय पहना जाता था। एंड ये यहाँ पे पूरा सामान रखा हुआ है पुराने जमाने का। और वो देख रहे हो, वो है पालकी। मेन गेट का ताला है, वो छोटे छोटे गेट का ताला। ये मेन गेट के ताले। हाँ। और ये छोटे छोटे ताले, ये पुराने जमाने के जितने ताले हैं वो दिखाए गए। एक ताला तो आप देखो यहाँ पे बिच्छू के आकार का है, मेंढक के आकार का है, मछली के आकार का है, ये ऊँट के आकार का है। तो जानवरों के शेप के भी यहाँ पे आपको ताले देखने को मिलेंगे। थोड़ा और आगे चलते हैं पटवों की हवेली में, तो आप बने रहिए प्लीज। अखरोट की लकड़ी है ये, बहुत महंगी है। अच्छा। और ये नीचे इनका बैठ था पटवा जी का, दीवान साहब। ये पटवा सेठ थे ना, ये छोटे बच्चों के लिए पालकियाँ, और वह छोटी उस टाइम पे भी बनती थी। ये ड्रेसिंग रूम, ड्रेसिंग रूम जो होता है महिलाओं का सबसे सबसे प्यारा स्थान,
तो यहाँ पे जो उनकी वाइफ थी वो रेडी होती थी, वाइफ और या और भी जो जो पटवा सेठ की रानियाँ थी उनका ड्रेसिंग रूम में तैयार होती थी, उनकी भी पांच चार रानियाँ थी। हाँ, किसी के दो, किसी के पांच, किसी के सात, क्योंकि वो सेठ थे। मैं जो भारत पाकिस्तान पहले एक था, वो जो भी माल आता था ना, उसका टैक्स लेना करना, वो सब पूरा काम यही संभालते थे राजा का। तो ये हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, यहाँ पे रखी है बहुत सारे सामान, किचन का सामान है इसमें। अच्छा, ये किचन था, किचन का ये आप देखोगे किचन का पूरा सामान, कढ़ाई बढ़ाई रखी हुई है, तोल तोल के खाते थे ये। यहाँ पे जो चट्टी वट्टी बनाते थे उसके लिए होता था, और वो चूल्हा देख रहे हो आप, यहाँ पे आटा पीसा जाता था। तो पहले के लोग हाथ से आटा पीस के खाते थे, तो ये था उस टाइप का केरोसिन स्टोव। ये है पुराने जमाने के टैंक जिसमें पानी वगैरह इकट्ठा करते थे। तो पुराने जमाने में जो बरसात होती थी तो ये टैंक इसके नीचे लगा देते थे, तो बरसात का जितना भी पानी होता था वो टैंकों में इकट्ठा करते थे। अच्छा, बाहर की तरफ? बाहर की तरफ नहीं है, अंदर पानी आता था। अंदर की तरफ ही है। तो ये मैंने रहस्यकालीन बात है कि पानी की बहुत कमी होती थी जैसलमेर में, तो ये बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए ये करते थे। और ये समाप्त होने के बाद में गढ़ीसर तालाब महाराजा गढ़ सिंह ने खुदाई करके बनाया था, निर्माण कराया था, तो वो पानी पीने के लिए कराया था। तो ये खत्म होने के बाद में वहां से वो तामड़ी में हम पानी लेके आते थे। अच्छा, डाइनिंग रूम ये देखो कितना अच्छा है। तो इसके अंदर जेंट्स जेंट्स खाना खाते थे बाहर, इसमें हाँ जेंट्स बाहर खाते थे और लेडीज अंदर खाती थी, लेडीज वहाँ अंदर खाते थे, अंदर खाती और बाहर खाते थे जेंट्स। ओके, पुराने जमाने में परंपरा होती थी लेडीज पर्दे के अंदर रहती थी और जेंट्स वो बाहर खुले रहते थे, तो पर्दे के अंदर रानियां रहती थी इनकी और बाहर खाते थे जेंट्स। जो इनके दीवान थे खास पटवा सेठ होते थे वो बाहर खाते थे, तो उनको भी नौकर रखे हुए थे, वो भी इनको खाना खिलाते थे। ये सिंधी सारंगी है, आलू गोजा मोरचंग वगैरह सब है। तो ये सारे सारे वाद्य यंत्र हैं। ये है वो रावणत्ता, रावणत्ता वो सिंधी वो कमंचा बोलते हैं इसको कमंचा बोलते हैं, जो कि हमारे इधर के एक कलाकार हुए थे दब्बू खां मिराची, जो विदेश में यात्रा किए थे, तीन चार देशों में घूमे थे। हाँ, हाँ, उनका नाम था दब्बू खां मिराची। आप यूट्यूब चैनल पे देखना, दब्बू खां का वीडियो आता है, मुमिल का एक बहुत बढ़िया सॉन्ग गाया था, मुमिल का। हाँ, मुमिल का। तो वो कमंचा बजाते थे ये वाले। राइट राइट, देखा है मैंने। ये है शीश महल, पुराने जमाने में राजा महाराजा और ये सेठ पटवा सेठ आपस में इधर बैठते थे, तो ड्रिंक पार्टी होती थी शाम को, यहाँ होती थी। अच्छा, तो वो म्यूजियम बजाते थे। और वो पुराने जमाने का फ्रिज है, वो केरोसिन वाला फ्रिज किस केरोसिन से चलता था, केरोसिन से। तो पटवा वैली में आप देखोगे यहाँ पे खत रखे हुए हैं संभाल के, अभी भी ये किस चीज़ के अभी हमें नॉलेज नहीं है। तो अंदर चल के देखते हैं अंदर और क्या क्या है। ये अलग अलग तरीके की पगड़ियाँ, और ये परफ्यूम के इत्र के जो बोतल है वो है। एंड ये देखिए ये रथ कितना सुंदर लग रहा है, और साथ में अपन यहाँ पे देखेंगे ये हारमोनियम रखा हुआ, और ये पुराने ज़माने का कैमरा, आजकल तो छोटे छोटे मिल रहे हैं। तो ये कैमरा यूज़ होता था कि दूर की रिकॉर्डिंग करनी होता तब ये कैमरे को यूज़ लेते थे। और ये है इनके बूढ़े जो लोग थे जो पकड़ के चलते थे वो। ये है जीवन विलास बैठक, इसके अंदर हम जा रहे हैं अभी। ये जोधपुर का घंटा घर का क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर घंटा घर का क्लॉक टावर जोधपुर का है। तो पटवा स्टेट को यह क्लॉक टावर इनको ये भेंट दिया था, भेंट दिया भाई आप इसके हमारे म्यूजियम के अंदर रखना, रख देना। अच्छा, ये जोधपुर के घंटाघर का मालिक था, इसका क्लॉक टावर का मालिक था, उन्होंने ये पटवा सेठ को गिफ्ट दिया था, ये बना के दिया था। क्लॉक टावर है जोधपुर का है। ओके, तो यहाँ रानिया जो पटवा सेठ की रानिया होती थी। हाँ, तो यहाँ जीवन विलास में बैठ करके चौपट पासा गेम खेलती थी, चौपट पासा वहाँ पे रानिया बैठती थी, और जिसका छोटा बच्चा होता था उसको वहाँ सुला देते थे। अच्छा, और वहाँ पे चेस खेलते थे। तो पटवा हवेली से सिटी व्यू कैसा आता है वो अभी हम देखेंगे। तो हम जा रहे हैं अभी ऊपर आ गए हैं, सिटी पटवा हवेली का सिटी व्यू देखने आ रहे हैं। तो ये पूरा सिटी यहाँ से दिखता है, और वो पूरा जैसलमेर का जो मेन किला है, फोर्ट है, वो दिख रहा है अपने सामने। वो पूरा किला है, उस किले से इतनी दूरी पे पटवा हवेली है। 15 मिनट का रास्ता है। दो या तीन रास्ता है, तो एक में गेस्ट आते थे, एक में लेडीज जाती थी, और एक में जेंट्स जाते थे। तो अलग आने जाने का एकदम अलग ही रास्ता है। अच्छा, तो इसका
मालूम किसी को हर आदमी को मालूम नहीं चले कि भाई कितना क्या रास्ता है, तो तीन रास्ता है, गुप्त रास्ता है। अच्छा, रास्ता में ही बनाया गया इनको। तो वो कि हवेली का असली अगर आपको व्यू देखना है तो बाहर से देख सकते हैं। ये एक जगह बनाई हुई है यहाँ पे, आप ये देखोगे वहाँ से हम घुसे हैं और इस जगह पे आप खड़े होकर फ़ोटो ले सकते हैं। इतना शानदार बनाया है उसको, एक बार हम दिखाते हैं। देखिए मतलब कलाकृति कितनी अच्छी बनाई है, मतलब जो जैसलमेर फोर्ट है उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ये वाली चीज जो हम घूम के आए हैं, ये जीवनमल कोठारी जी उनकी हवेली थी और ये बाकी उनके दो भाइयों की हवेली है। और ये टोटल पांच भाई थे, तो दो की हवेली दूसरी जगह पे है, तीन भाइयों की यहाँ पे हवेली है। ने हमको बहुत अच्छे से फोर्ट विजिट करवाया और पटो की हवेली बताए। तो आप कभी भी आए तो इनसे मिल सकते हैं, आप अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 7014741055। ठीक है, हमने पटवों की हवेली को देख लिया है और अब हम नेक्स्ट जाएंगे गड़ीसर तालाब, जो यहाँ पे एक झील है उसको देखने जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मतलब इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए पसंद आई, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।